यार आज हम यहाँ पर जानेंगे इंटरव्यू और काउंसलिंग में क्या अंतर होता है यदि हम साइकेट्रिक नर्सिंग के नज़रिए से देखें तो। डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड काउंसलिंग इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो इंटरव्यूइंग क्या है? इंटरव्यूइंग मेनली है आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना टू गेट और इलिसिट इंफॉर्मेशन कि उससे जिस भी पेशेंट के हम इंटरव्यू कर रहे हैं साइकेट्रिक में तो उससे इन्फॉर्मेशन हमें मिले और क्या प्रॉब्लम है उसकी वो हमें मिले। जबकि काउंसलिंग क्या है? गिविंग एडवाइस कि जो भी पेशेंट है उसकी अपनी क्या क्या पावर है, उसमें किस किस तरह से वो अपनी परिस्थितियों से मैनेज करता है और उसके हिसाब से उसको एडवाइस देना, ये होती है काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइकेट्रिक इंटरव्यू। रेफर्स टू द सेट ऑफ टूल्स, इसमें सेट ऑफ टूल्स होते हैं दैट ए मेंटल हेल्थ वर्कर मोस्ट टाइम्स ए साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है बट एट टाइम सोशल वर्कर और नर्सेस यूज टू कंप्लीट ए साइकेट्रिक असेसमेंट। इसके द्वारा साइकेट्रिक असेसमेंट करते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री पूछना, उसको क्या क्या परेशानियाँ कैसे कैसे हुई उसके बारे में जानना, असेसमेंट करना, तो ये सब होता है। और ये कौन करता है? हेल्थ वर्कर, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर और नर्सेस। जबकि काउंसलिंग जो है वो फोकस करती है ऑन स्पेसिफिक इश्यूज एंड डिज़ाइन टू हेल्प ए पर्सन एड्रेस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो भी उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करती है और उसकी पर्सन की मदद करना होता है इसका मेन काम, सच एज एडिक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। द फोकस मे बी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होता है इसका और ऑन लर्निंग स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर कॉपिंग विद और अवॉइडिंग प्रॉब्लम एरियाज। तो इसमें सिखाया जाता है कि स्पेसिफिक टेक्निक क्या वो क्या हैं जिनसे कि वो प्रॉब्लम से अपने कॉप अप कर सके। काउंसलिंग इज ऑल्सो यूजली मोर शॉर्ट टर्म देन थेरेपी। यदि हम बात करें साइकोथेरेपी या कोई भी थेरेपी, तो जो काउंसलिंग है उसकी एक छोटी फॉर्म है। काउंसलिंग इज़ हेल्पिंग अनदर पर्सन टू मेक सेंस ऑफ वॉट सीम सेंसलेस। उस व्यक्ति के लिए जो सेंसलेस लग रहा है उसमें उसको सेंस बनाना होता है इसमें। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट दैट अलाउ पीपल टू कनेक्ट विद द पावर दे हैव विद इन देमसेल्व्स। तो उनको पावरफुल बनाना है, जो व्यक्ति अपने अंदर पावर रख रहा है उससे उसको कनेक्ट करना है। पावर दे मे नेवर हैव बीन अवेयर दे पसेस्ड, जिनको उनको ये पता ही नहीं है कि उनके पास ये पावर है। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग मे एम्प्लॉय मैनी मेथड टेक्निक्स एंड इंटरवेंशन बट इट एंड्स गोल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द सेम टू एलिविएट डिस्ट्रेस और टू प्रमोट चेंज। कि डिस्ट्रेस को, तनाव को कम करना या ख़त्म करना और चेंज को प्रमोट करना। काउंसलिंग में फोकस ऑन इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज़ पे हो सकती है जैसे डाइवोर्स और इनफेडिलिटी, वोकेशनल डिफ़िकल्टीज लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज़ हैं जैसे कि होमलेसनेस एंड प्रिजुडिस, एनवायरमेंट इश्यूज़ हैं जैसे कि कॉपिंग विद इन नेचुरल डिजास्टर और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक क्रॉनिक इलनेस और इनफर्टिलिटी। तो मेनली इंटरव्यू में एक तरह से क्या होता है? असेसमेंट होता है और इन्फॉर्मेशन गेन होती है, जबकि काउंसलिंग में क्या होता है? उस व्यक्ति की जो पावर है वो उसको बताई जाती है और उसकी हेल्प की जाती है कॉप अप करने में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।